नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला और आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। वो कहानी जो मेरी पढ़ी हुई सैकड़ों किताबों और हजारों पन्नों में से निकलकर बार बार मुझसे बात करती रहती है, सुधा और मोती की कहानी। इस देश के एक बहुत बड़े राइटर हुआ करते थे श्री कृष्ण चंद्र। उनकी लिखी हुई ये कहानी अगर आपने आखिर तक सुन ली तो आपके दिल से आह और होंठों से वाह एक साथ निकल पड़ेगी। एक वादा मैं आपसे दोहराना चाहता हूँ, मेरे मन में आपके वक्त की बड़ी इज्जत है। मैं आपके 2 मिनट भी कभी ज़ाया नहीं होने दूंगा। वही सुनाऊंगा जो आपकी आत्मा को, आपके मन को और आपकी सोच को अंदर तक छुए। सुधा खूबसूरत थी ना बदसूरत, बस मामूली सी लड़की थी। सांवली रंगत, साफ सुथरे हाथ पांव, मिजाज की ठंडी मगर घरेलू, पढ़ने लिखने की शौकीन मगर ना खूबसूरत थी ना अमीर ना चंचल। दिल को लुभाने वाली कोई बात उसमें न थी। कॉलेज में भी उसकी सहेलियां और दोस्त बहुत कम थे। वो शर्मीली तबीयत अभी तक उसके साथ चल रही थी, जैसे उसके माँ बाप की गरीबी ने बढ़ावा दे दिया हो। उसका बाप जीवन राम नाथू मिल वॉच मर्चेंट के यहाँ चांदनी चौक की दुकान पर 30 साल से सेल्समैन चला आ रहा था। उसकी हैसियत ऐसी न थी कि वो अपनी बेटी को कॉलेज की तालीम दे सके। उस पर भी जो उसने अपनी बेटी को कॉलेज में भेजा था तो महज इस ख्याल से कि शायद इस तरीके से उसकी लड़की को कोई अच्छा पति मिल जाएगा। कभी कभी उसके दिल में ये ख्याल भी आता था, मुमकिन है कॉलेज का कोई अच्छा लड़का ही उस पर आशिक हो जाए। मगर जब वो सुधा की सूरत देखता, झुकी हुई गर्दन, सिकुड़ा हुआ सीना, खामोश निगाहें, तो एक आह भरकर चुप हो जाता और सोचता इसे कौन मिलेगा। इस बात को ना तो उसका बाप जीवन राम जानता था, ना उसकी माँ मगही जानती थी कि सुधा कितनी अजीब लड़की है। वो बाहर से मामूली रंग रूप की लड़की थी, मगर उसने अपने दिल के अंदर एक चमकती हुई जिंदगी छुपा रखी थी। इसीलिए तो वो शर्मीली थी। वो अपना भेद किसी को क्यों बताए? शायद लोग उस पर हंसेंगे, और जो कुछ वो सोचती थी वो सब कितना अजीब होता था। ये कॉलेज की सुंदर सजीली लड़कियां अगर उसके हुस्न की मोहिनी देख लें तो धक से रह जाएं। और ये लंबी लंबी कारों वाले देवताओं की तरह इठलाते हुए नौजवान अगर उसके दिल के रॉकेट जहाज देख लें तो क्या हैरत में ना खो जाएं? वो मेरी तरफ देखते भी नहीं, और ठीक भी है। घर की धुली हुई शलवार और सिलवटों वाली स्याह कमीज पहनने वाली ऐसी लड़की को कोई भला क्यों देखेगा। फर्स्ट ईयर पास करा के जीवन राम ने सुधा को कॉलेज से उठा लिया। 2 साल गुजर गए। सुधा अब आसिफ अली रोड की एक फर्म में टाइपिस्ट थी। वो पहले से ज़्यादा खामोश और मेहनती हो गई थी। घर की हालत भी अच्छी हो गई थी, क्योंकि सुधा घर में 100 रुपये लाती थी। दफ्तर के काम से फारिग होकर वो स्टेनो का काम सीखने जाती थी। बीए करने का इरादा भी रखती थी। घर की हालत ज़रा बेहतर होने पर जीवन राम और मगही ने सुधा के वर के लिए ज़्यादा लगन से कोशिश शुरू कर दी। वो सुधा की तनख्वाह में बहुत कम खर्च करते थे और स्कूटर के लिए पैसे जमा कर रहे थे। बहुत दिनों के बाद जीवन राम एक लड़के के माता पिता को स्कूटर का लालच देकर घेरने में कामयाब हुआ। मंगनी की रकम, ब्याह का दहेज, दहेज की नकदी, दहेज का सोना, सारी ही ज़रूरी बातें तय हो गईं। तो मोती जो लड़के का नाम था, और वाकई शक्लो सूरत में मोती ही की तरह उजला और खूबसूरत था, वो अपनी होने वाली बीवी को देखने आया। मोती ने गहरे ब्राउन रंग का सूट पहना हुआ था। उसकी सुनहरी रंगत पर उसके स्याह घुंघराले बाल बेहद खूबसूरत मालूम होते थे। उसकी कमीज से कफ के बाहर उसके हाथ बड़े मजबूत और खूबसूरत लगते थे, और जब वो सजी सजाई सुधा की तरफ देखकर मुस्कराया तो अंदर ही अंदर उस मासूम लड़की का दिल पिघल गया और चाय की प्याली उसके हाथों में बजने लगी, और बड़ी मुश्किल से वो चाय की प्याली मोती को पेश कर सकी। मोती चाय पीकर और शुक्रिया अदा करके रुखसत हो गया अपनी बहनों के साथ। दूसरे दिन उसकी बहनों ने कहला भेजा, लड़की पसंद नहीं आई। उस रात सुधा सो न सकी। रात भर उसकी आंखों में मोती का खूबसूरत चेहरा डोलता रहा, और रात भर मोती के हाथों की छुअन उसकी रूह को गुदगुदाती रही।
मोती के इनकार करने पर सुधा के दिल पर क्या बीती ये तो किसी को मालूम ना हो सका। पहली बार उसने जिंदगी में किसी को दिल दिया था और ये किसी को मालूम ना था। होता भी कैसे और कहती भी क्या किसी से कि जिसे मैंने चाहा वो मुझे देखने आया था और नापसंद करके चला गया। लोग तो इश्क में रोते हैं, वो बेचारी कुछ कह भी ना सकती थी। उस दिन उसने दफ्तर में ओवरटाइम किया और जब अंधेरा खासा बढ़ गया तो वो दफ्तर से बाहर निकली और भूरे रंग का पर्स झुलाती हुई सामने आसिफ अली पार्क में चली गई और एक बेंच पर अकेली बैठ गई। ये पार्क दिल्ली गेट के सामने एक छोटा सा खामोश कोना था। चंद पेड़ थे, चंद बेंचेस थी, उनके चारों तरफ ट्रैफिक का शोर था, मगर आज यहाँ काफ़ी खामोशी थी। पत्थर का बेंच भी खूब ठंडा था। चंद मिनट तक सुधा खामोशी से उस बेंच पर बैठी रही, फिर पेड़ से टेक लगाकर बैठ गई और आंखें बंद कर ली। यकायक किसी ने उससे कहा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो, अकेली? सुधा ने आंखें खोली, सामने मोती मुस्करा रहा था। वही खूबसूरत ब्राउन सूट पहने, वही जगमगाती हुई मुस्कराहट, उसके हाथ उतने ही खूबसूरत थे। सुधा के हलक में कोई चीज आके रुकने लगी, वो बोल न सकी। मोती उसके करीब आके बैठ गया, बहुत करीब। तुम्हें मेरे इनकार पर गुस्सा आ रहा होगा ना? सुधा ने आहिस्ता से सर हिलाया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। बहुत बुरा लग रहा है ना? सुधा ने फिर हाँ के अंदाज में आहिस्ता से सर हिला दिया और आंसू छलक कर उसके गालों पर आ गए और वो रोने लगी। मोती ने अपनी कोट की जेब से रुमाल निकाला और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मगर इसमें रोने की क्या बात है? हर इंसान को अपनी पसंद या नापसंद का हक है, बोलो हक है कि नहीं? मगर तुमने क्या देखा था मेरा जो तुमने मुझे नापसंद कर दिया? क्या तुमने मेरे हाथ का फुलका खाया था, मेरा मटर पुलाव चखा था? क्या तुमने मेरे दिल का दर्द देखा था और वो बच्चा जो तुम्हें देखते ही मेरी कोख में हुमक कर आ गया था? तुमने मेरे चेहरे का सिर्फ सपाटपन देखा, मेरे बच्चे का हुस्न क्यों नहीं देखा? तुमने वो हाथ क्यों नहीं देखे जो जिंदगी भर तुम्हारे पांव धोते और वो बटन जो मैं तुम्हारी कमीज पर टांकने वाली थी? तुम मेरे जिस्म की रंगत से डर गए। तुमने उस स्वेटर का उजला रंग ना देखा जो मैं तुम्हारे लिए बुनना चाहती थी। मोती, तुमने मेरी हंसी नहीं सुनी, मेरे आंसू नहीं देखे, मेरी उंगलियों की छुवन को अपने खूबसूरत बालों में महसूस नहीं किया, मेरे कुंवारे जिस्म को अपने हाथों में लरसते हुए नहीं देखा, तो फिर तुमने मुझे कैसे नापसंद कर दिया था? अरे, इतना सब कुछ वो कैसे बोल गई? बस उसे इतना मालूम था कि वो रो रही थी और कहती जा रही थी और उसका सर मोती के कंधे पर था और मोती अपनी गलती पर शर्मिंदा उसके कंधों पर हौले हौले थपकियां दे रहा था। उस दिन वो बहुत देर से घर पहुंची और जब उसकी माँ ने उससे पूछा तो उसने लापरवाही से कह दिया, दफ्तर में देर हो गई। दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, साल गुजर गए, मगर सुधा ने मोती के बारे में किसी को कुछ न बताया। उसकी माँ इंतजार करती रही। आज शाम के ढलते हुए सायों में गुलाबी उंगलियों वाली महकती हुई शाम में सुधा ने मोती को बताया, वो लोग आज मेरे लिए एक बूढ़ा हलवाई ढूंढ के लाए थे। फिर मोती ने हंसकर पूछा, मैंने साफ इनकार कर दिया। तूने इनकार क्यों कर दिया पगली? शादी कर लेती तो जिंदगी भर आराम से बैठी मिठाई खाती और तुम्हें छोड़ देती। सुधा ने प्यार भरे गुस्से से मोती की तरफ देखकर कहा, मैंने भी तो तुमसे शादी नहीं की ना, मोती ने उसके कमर में हाथ डालते हुए कहा। तो क्या हुआ, सुधा उसके गाल को अपने गाल से सहलाती हुई बोली, तुम मेरे पास तो हो, शादी से भी ज़्यादा मेरे पास, हर वक्त मेरी मुट्ठी में जैसे। मोती हंसकर बोला, हाँ ये तो सही है, मैं बिल्कुल तुम्हारी मुट्ठी में हूँ, जब चाहो बुला लो। शुरू में तो तुम ऐसे ना थे, सुधा मोती की तरफ चंचल निगाहों से देखकर बोली, शुरू में तो तुम बड़ी मुश्किल से मेरे पास आया करते थे। शुरू में प्यार भी तो ना था और किसी के दिल को समझते हुए देर भी तो लगती है। मोती ने सुधा के कानों में सरगोशी की और सुधा की आंखें शिद्दते एहसास से बंद होने लगीं। कल कहाँ मिलोगे? जहां तुम कहो। फिर सुधा खुद ही बोली, कल पिक्चर देखेंगे वसंत सिनेमा में, बहुत अच्छी पिक्चर लगी है, मैं 2 टिकट खरीद कर रखूंगी, तुम ठीक 5:45 बजे वहां पहुंच जाना। टिकट मैं खरीद लूंगा। नहीं, ये पिक्चर तो मैं ही दिखाऊंगी, तुम कोई दूसरी दिखा देना, मैं कब मना करती हूं, मगर भूलना नहीं कल शाम 5:45 बजे वसंत सिनेमा के बाहर। वसंत सिनेमा के बाहर बहुत भीड़ थी,
सुधा ने दो टिकट्स खरीद लिए और अब वो मोती का इंतजार कर रही थी। 6:15 हो गए, 6 हो गए। पिछले शो के छूटने के बाद लोग चले गए, नए लोग शो देखने के लिए आने लगे, मोती नहीं आया। चारों तरफ रोशनियां थीं, लोगों की भीड़ थी, स्टॉल वालों की बुलंद आवाज़ें थीं, तांगे मोटरों और रिक्शों की भीड़ थी, और मोती भीड़ को पसंद नहीं करता था। अब वो उसकी तबीयत समझ गई थी। उसे खामोशी पसंद थी, अंधेरा पसंद था, तन्हाई पसंद थी। 6:15 के करीब वो सिनेमा हॉल में जा बैठी। उसने अपने साथ वाली सीट पर अपना रूमाल रख दिया। धीरे धीरे पूरा हॉल भर गया, मगर मोती नहीं आया। जब हॉल की रोशनियां गुल हो गईं और पिक्चर शुरू हो गई, तो सुधा ने मोती का हाथ अपने हाथों पर महसूस किया। वो अंधेरे में चुपके से आकर साथ वाली सीट पर बैठ गया था। सुधा ने उसके हाथ को दबाते हुए कहा, बड़ा इंतज़ार करवाते हो। सॉरी, मोती बोला। सुधा गहरी सांस लेकर पिक्चर देखने में मसरूफ हो गई। अब बातें करने का लम्हा ना था। वो महसूस कर सकती थी कि मोती का हाथ उसके हाथ में है, वो उसके साथ कुर्सी पर बैठा हुआ है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो अपना सर उसके कंधे पर रख देती। मोती सरगोशी में कहता, मेरे कंधे पर सर रखकर देखने से तुम्हें क्या नज़र आता है? पिक्चर तो नज़र आती ना होगी। वो पिक्चर नज़र आती है जो इस हॉल में बैठा हुआ कोई आदमी नहीं देख सकता, सुधा ने बड़ी गहराई से कहा। आहिस्ता आहिस्ता हर शख्स ने तब्दीली महसूस की। सुधा की मैली मैली आँखें उजली होती गई, कमर लचकने लगी, चाल बदल गई। वो दिन ब दिन हसीन और दिलकश होती गई। अब उसके कपड़े बड़े साफ सुथरे होते थे कम कीमत के, मगर बेहद उम्दा सिले हुए। उसके दफ्तर की लड़कियां जलकर खाक हो जाती और सुधा से पूछती, कैसा है वो तेरा? गोरा रंग है, बाल घुंघराले हैं, हंसता है तो मोती झड़ते हैं, सुधा जवाब देती। और तनख्वाह क्या लेता है? 1200, पूरे 1200। 1200? लड़कियां चीख कर पूछती, 1200 तो हमारी फर्म के मैनेजर की तनख्वाह है। वो भी एक फर्म में मैनेजर है, सुधा जवाब देती। अरे, हमें दिखाएगी नहीं? बस एक बार दिखा दे, हम देख तो लें कैसा है वो तेरा। दिखा भी दूंगी, कहो तो दफ्तर में बुला के दिखा दूं। ये तो उसने यूं ही कह दिया था, वरना सुधा कहां मोती को दिखाने वाली थी। वो मर जाती मगर अपने मोती को किसी को ना दिखाती, इन लड़कियों का क्या भरोसा। फिर सुधा का बाप मर गया, और उसके मरने के बाद अगले चंद सालों में सुधा के भाइयों की शादियां हो गईं, और वो लोग अपनी अपनी बीवियां लेकर अपनी अपनी नौकरी के ठिकानों पर चले गए। फिर उसकी छोटी बहन की भी शादी हो गई, फिर उसकी माँ की भी अपनी बड़ी बेटी के कंवारेपन के गम में सुलग सुलग कर मौत हो गई, और सुधा इस गम में अकेली रह गई। कुछ महीनों के बाद उसने वो घर भी छोड़ दिया और सिविल लाइंस में एक उम्दा मकान की दूसरी मंजिल में 2 कमरे लेकर पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने लगी। अब वो 35 बरस की हो चुकी थी, मगर मुश्किल से 30 बरस की मालूम होती थी। उसके होठों पर हर वक्त मुस्कराहट खिलती रहती और आंखों में खुशियों के साये नाचते रहते। वो पहले से ज़्यादा संजीदा हो गई थी, वो स्टेनो भी हो गई थी, उसने BA भी कर लिया था, उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई थी और किताबें पढ़ने का शौक भी। अब वो खुशहाल और आरामदेह और सुकून भरी ज़िंदगी बसर कर रही थी। कई साल से वो अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी और माथे पर सुहाग की बिंदिया सजाती थी, और लोगों को ये तो मालूम न था कि उसकी शादी कहाँ हुई है और कौन उसका पति है, मगर लोग इतना जानते थे कि कोई उसका है जिसके साथ वो अपनी शामें गुजारती है। बल्कि लोग तो यहाँ तक कहते सुने गए कि जो कोई भी वो है, उसकी अपनी कुछ वजहें हैं जिनकी वजह से उन दोनों की शादी नहीं हुई, मगर वो दोनों हर शाम तन्हाइयों में मिलते हैं, और जब दुनिया सो जाती है, जब कोई किसी को नहीं देखता, ऐसे में कोई सुधा के यहाँ आता है, धीमे से दरवाज़ा खटखटाता है और खामोशी से अंदर आ जाता है। लोगों ने उसे देखा नहीं था, मगर लोगों का ख्याल यही था। वो सुधा से कुछ कहते नहीं थे, क्योंकि सुधा अब एक संजीदा और बावकार औरत बन चुकी थी, और जिसके माथे पर सिंदूर का ये बड़ा सा टीका जगमगाता हो, उसे कोई क्या कह सकता था। वो शाम सुधा की 40वीं सालगिरह की शाम थी, और वो कई वजहों से सुधा को कभी नहीं भूलती। सुधा मोती को मथुरा रोड के जापानी गार्डन में ले गई थी। शाम ढल रही थी, धीरे धीरे तारे नजर आने लगे। आज सुधा बहुत खामोश थी, मोती भी चुपचाप सा था। वो अब भी उसी तरह खूबसूरत था जैसे जवानी में हुआ करता था। अब भी वो हर रोज उसी ब्राउन सूट में आकर सुधा से मिलता था, कि सुधा का हुक्म यही था।
उसे देखकर ये गुमान होता था कि मोती पर जिंदगी के बहाव ने और वक्त के घाव ने ज्यादा निशान नहीं छोड़े। सिर्फ कान के पास कुछ सफेद बाल आ गए हैं जो इस सूरत को और भी रौबदार बनाते थे, वरना इसके अलावा उसकी सूरत शक्ल में, किरदार और बातचीत में किसी तरह का फर्क ना आया था। वो पहले ही की तरह इतना हसीन, दिलकश और दिलनवाज था कि उसे देखते ही सुधा के दिल में खतरे की घंटियां बजने लगती थीं। इतना वक्त गुजर जाने के बाद आज भी उसे देखकर सुधा का दिल इतने जोर से धक धक करने लगता था जितना कि पहले रोज। मोती ने आहिस्ता से पूछा, तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं की? मैं सोच रही थी, सुधा हौले से बोली, तुमसे शादी ना करके मैंने क्या खोया है? क्या कोई शाम ऐसी थी जो मैंने तुम्हारे साथ ना गुजारी हो? सोचो तो कहाँ कहाँ हम नहीं गए, जहाँ जहाँ मैंने तुम्हें बुलाया क्या तुम वहाँ पहुँचे नहीं, और जिस वक्त भी बुलाया क्या उसी वक्त सब काम छोड़कर तुम आए नहीं? अगर शादी का नाम नज़दीकी है तो वो मुझे हासिल है। और फिर ये भी सोचो कि इतने दिन बीत गए साथ रहते और मेरा तुम्हारा एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ, मैंने तुम्हें हमेशा मेहरबान और मुस्कराते हुए पाया। जब कभी मेरे हाथों को तुम्हारे हाथों की ज़रूरत हुई, उनकी गर्मी मैंने अपने जिस्म के रोए रोए में महसूस की। तुम्हारे फूल मेरी जुल्फों में रहे, तुम्हारे चुंबन मेरे होंठों पर, तुम्हारी वफा मेरे दिल में, क्या कोई औरत मोहब्बत में इससे ज़्यादा पा सकती है? सुधा ने एक लंबी गहरी सांस ली और अपने आप को मोती के बाजुओं में छोड़ दिया। फिर उसे महसूस हुआ कि मोती के दो बाजू नहीं बल्कि चार बाजू हैं, बल्कि शायद छः बाजू हैं, शायद आठ बाजू हैं, और वो अपने जिस्म और जा के रगो रेशे में उसके बाजुओं को महसूस कर रही थी जो उसे भींच कर अपने सीने से लगा रहे थे, और सुधा ने अपने आप को उन्हीं बाजुओं के सुपुर्द कर दिया था और अंदर ही अंदर इस तरह खुलती चली गई जैसे चांदनी के छूने से कली खिलकर फूल बन जाती है। मदमाते तारों के झुरमुट में सब्ज झालरों वाले पेड़ों की ओट से चांद उभर आया था, और अब चांद उसके बालों में था, उसकी आंखों में था, उसके होंठों में था, उसके दिल में था, और लहर दर लहर उसके खून में बह रहा था। हाय मेरे मोती चूर, मेरे मोती चूर, मेरे मीठे लड्डू, मैं तो मर गई रे तेरे लिए। थोड़ी देर बाद जब सुधा ने आंखें खोलीं तो उसका खिला हुआ चेहरा बता रहा था कि उससे अभी अभी मोहब्बत की गई है। वो शाम, वो रात सुधा को कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि वो रात मुकम्मल थी और उन दोनों की जिंदगियां मुकम्मल थीं। जैसे वक्त और उम्र, चांद और आरजू सब एक साथ एक दायरे में मुकम्मल हो जाएं और जज्बे की एक बूंद भी छलक कर बाहर जाने की ज़रूरत महसूस न करे। ऐसे लम्हे कब किसी की ज़िंदगी में आते हैं, और जब आते हैं तो इस शिद्दत से अपना असर छोड़ जाते हैं कि इंसान महसूस करता है, शायद मैं अब तक जिया ही इस लम्हे के लिए था। शायद कुछ इसी तरह सुधा ने इस लम्हे में महसूस किया, और फिर कभी इस तरह दोबारा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि इस वाकये के कुछ दिन बाद उसके दफ्तर का मैनेजर बदल गया, और जो मैनेजर उसकी जगह आया उसे सुधा सख्त नापसंद करने लगी थी। एक तो वो बड़ा बदसूरत था, किसी ज़माने में उसका रंग गोरा ज़रूर रहा होगा मगर अब तो पुराने तांबे का सा था, और मोटी नाक पर हद से ज़्यादा शराब पीने से नीली झुर्रियों का जाल सा फैला था। उसके गाल जबड़ों पर लटक गए थे, आंखों के नीचे स्याह गड्ढे पड़ गए थे, सर के बाल उड़ गए थे, और जब वो बात करता था तो ऐसा मालूम होता था जैसे कोई मेढक किसी काई भरे तालाब के अंदर से बोल रहा हो। अजीब सी घिन आती थी सुधा को उससे। लेकिन मुसीबत ये थी कि अब दफ्तर में इतने साल काम करते करते वो हेड स्टेनो बन चुकी थी, और उसे दिन भर मैनेजर के कमरे में ही रहना पड़ता था, और इससे उसे इंतहाई कोफ्त होती थी। लेकिन इससे ज़्यादा कोफ्त उसे ये सोचकर होती थी कि उसने इस बदसूरत इंसान को इससे पहले कहीं तो देखा है, जैसे ये सूरत जानी पहचानी है मगर कहाँ। जहन और याददाश्त पर जोर देने के बाद भी उसे याद ना आता था, कौन था वो, किससे इसकी हरकत मिलती है, क्या मेरे मरहूम बाप से, मेरे किसी भाई से, जैसे ये हरकत मुझे कुछ याद दिलाती है मगर क्या। गौर करने पर भी वो किसी नतीजे पर न पहुंच सकती और फिर अपना काम करने लगती, मगर दिन भर उसके दिल में कुछ खटकता सा रहता। पहली तारीख को जब लोगों की तनख्वाह बढ़ चुकी और लोग अपने अपने घरों को चले गए, तो नए मैनेजर ने सुधा को किसी काम से रोक लिया और उसे अपनी मेज़ के सामने कुर्सी पर बैठा लिया। फिर उसने एक कैबिनेट खोलकर उसमें से एक गिलास निकाला और विस्की की बोतल और सोडा और पहला पैग वो गटागट चढ़ा गया।
सुधा उसे हैरत से देखने लगी और गुस्से में उठकर जाने लगी कि मैनेजर ने निहायत नरमी से उसका हाथ पकड़ लिया, उसे जाने से रोका और बोला, आज जब तुम्हारी तरक्की की फाइल मेरे सामने आई तो मुझे मालूम हुआ कि इस दफ्तर में सबसे पुरानी एम्प्लॉई तुम हो। ये बड़ी खुशी की बात है। सुधा चुप रही। तुम्हारा नाम सुधा है ना? मैनेजर बड़ी बेचैनी से बोला। सुधा बड़ी हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। इतने दिन से मेरे साथ काम कर रहा है, क्या ये मेरा नाम भी नहीं जानता? आखिर उसे हुआ क्या है? मेरा मतलब है, मैनेजर दूसरे पैक का एक बड़ा घूंट पीकर बोला, तुम वही सुधा हो ना जिसके बाप का नाम जीवन राम है? सुधा बड़े तीखेपन से बोली, हाँ मेरे बाप का नाम भी फाइल में लिखा गया है, फिर मुझसे पूछने की ज़रूरत क्या है? वो तकरीबन उठते उठते बोली, बैठो बैठो। मैनेजर ने फिर उसकी मिन्नत करते हुए कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं। वो उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहने लगा, नहीं बिल्कुल नहीं। वो गुस्से से बोली, मैं एक रोज़ तुम्हारे घर आया था, तुम्हें देखा भी था, तुमसे बातें भी की थी। बूढ़े मैनेजर ने सुधा से कहा, अब तुम एक खूबसूरत औरत बन चुकी हो, मगर तब तुम ऐसी ना थी। तब तुम एक मामूली सी लड़की थी और मैंने तुम्हें देखा था और तुमसे बातें की थी। कब? कब? सुधा बेचैनी से बोली। बूढ़ा मैनेजर देर तक सुधा को देखता रहा, आखिर आहिस्ता से बोला, मैं मोती हूं। सुधा सन्नाटे में आ गई। मैं बड़ा बदनसीब था जो तुमसे शादी न की। मैं तुम्हें अच्छी तरह से देख न सका, समझ न सका। इन चंद लम्हों में कोई क्या जान सकता था, क्योंकि एक सूरत बदन के अंदर भी तो छुपी रहती है। और मैं नौजवान था, दौलत और गोरे रंग का लालची। जो बीवी मुझे मिली वो दौलत भी लाई थी और सफ़ेद रंग भी, और इसके साथ एक मगरूर बदमिजाज जालिम और बेवफा तबीयत भी लाई थी। कुछ ही सालों में मेरे 5 बच्चे हो गए, उनमें से कितने मेरे थे मैं कह नहीं सकता, मगर लोग तरह तरह की बातें बनाते थे और मैं सुनता था और पीता था और दूसरी औरतों के पास जाता था। फिर जहर बीमारी का और शराब का और नाकामी का मेरी रग रग में फैल गया और मैं वक्त से पहले बूढ़ा हो गया और बुझ गया। अब वो मर चुकी है, इसलिए मैं उसे कुछ ना कहूँगा, और उसे कहूँ भी क्या, कसूर तो मेरा है, मेरी इन आँखों का जो तुम्हें पहचान न सकी। मेरी आँखों ने एक हीरा देखा और पत्थर समझ कर फेंक दिया। क्या तुम मुझे किसी तरह माफ नहीं कर सकती? क्या तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती? वो उसे फटी फटी आंखों से देख रही थी और उसका जी चाह रहा था कि वो उससे कहे, अब तुम आए हो बूढ़े और बदसूरत होकर, खौफनाक बीमारियों का शिकार, अब तुम मुझसे शादी के लिए कह रहे हो, मगर मैंने तो अपनी सारी जिंदगी तुम्हें दे दी और तुम्हें मालूम तक न हुआ कि मैंने अपनी सारी जवानी तुम्हारे तसव्वुर में खो दी और जिंदगी की हर बहार तुम्हारे ख्याल में गंवा दी और शबाब की हर मचलती हुई आरज़ू तुम्हारी एक निगाह के लिए लुटा दी। जिंदगी भर मैं सड़कों पर अकेली चलती रही तुम्हारे साये के साथ, अंधेरे पार्कों में बैठी रही तुम्हारे तसव्वुर के साथ। मैंने खुद अपने हाथों से खर्च करके तुमसे साड़ियों के तोहफे लिए, तुम्हारा जेवर पहना, अपनी मेहनत का खून करके सिनेमा देखा और अपने साथ की सीट खाली रखी। मेरा बाप मर गया, मेरी माँ मर गई और मेरी कोख के बच्चे मुझे दूर ही दूर से बुलाते रहे और मैं किसी के पास ना गई। तुम्हारे ख्याल से लिपटी हुई अपने कुंवारेपन के 40 साल आंखें कान और होंठ बंद करके तुम्हारी आरज़ू में बिता दिए। मैं कितनी खुश थी, कितनी मगन थी। मैंने तो तुमसे कभी कुछ ना मांगा, न शादी का फेरा, न सुहाग की रात, न बच्चे की मुस्कराहट, बस सिर्फ एक तसव्वुर, एक झलक ही तुमसे उधार ली थी और आज तुम उसे भी जहन्नुम के चिता में जलाने के लिए मेरे शहर आ गए। मगर सुधा मोती से कुछ न कह सकी। वो मेज पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी और जब मोती ने उसका हाथ थामना चाहा तो वो गुस्से से झुंझला गई और उसका हाथ झटक कर कमरे से बाहर चली गई। बाहर निकलकर सीढ़ियों से नीचे उतर गई। मोती उसे बुलाता ही रहा। वो भागकर सड़क पर जा पहुंची। सड़क पर अंधेरा था, मगर फिर भी बिजली की इतनी रोशनी थी कि लोग उसके आंसू देख लेते, मगर उसने किसी की परवाह न की और वो रोते हुए आगे बढ़ गई। आसिफ अली पार्क के करीब पहुंचकर वो ठिठकी। एक लम्हे के लिए उसे ख्याल आया कि वो पार्क के अंदर जाकर किसी पेड़ के तने से सर टेक कर बैठ जाए, मगर फिर उसने सोचा, बेकार है, सब बेकार है।
मेरे ख्यालों का शहजादा अब वहाँ ना आएगा, अब वो कभी मेरे पास ना आएगा। जब वो ये सब सोच रही थी तो उसने अपनी मांग का सिंदूर मिटा डाला और सुहाग बिंदिया खुरश ली और पार्क की रेलिंग पर अपनी सारी चूड़ियाँ तोड़ डाली, इस यकीन के साथ कि अब वो सारी उम्र के लिए बेवा हो चुकी है।